ये देखो आज मैंने बनाई है नमकीन खस्ता मठरी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। ये चाय के साथ में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसको एकदम सरल वे में बनाते हैं आज। और इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए मैदा। अब मैदा को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि कोई भी अंदर कीड़े वगैरह नहीं हो। इस मैदे को हम एक बड़े से बर्तन में ऐड कर देंगे ताकि गूंथने में प्रॉब्लम नहीं पड़े। यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, एक चम्मच के करीब बेसन लिया है, इससे बहुत ज़्यादा खस्ता मठरी बनती है, एक चम्मच अजवाइन ली है और एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए, और यहाँ मैंने हींग ली है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और नमक अपने टेस्ट के अनुसार, और यहाँ मैंने ऐड किया है मोइन के लिए घी, आप चाहो तो तेल भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ हम बस मोइन लगाएंगे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे। यहाँ हमें एक आटे की तरह नहीं गूंथना है, इसको बस इकट्ठा करना है इसको, और साइड रख देना है 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद हम 15 मिनट के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे किचन प्लेटफॉर्म पर, और इसको बस हल्के हाथों से मलते हुए इसमें से आटा तोड़ेंगे और एक लंबे लंबे से पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद इसमें से छोटी छोटी सी लोइयां काट लेंगे, जितने भी आपको जिस साइज़ के भी मठरी चाहिए। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी कट कर लेती हूँ कैंची से, और उसके बाद मैं यहाँ बस लोई को प्रेस करना है हथेली की सहायता से, बीच में बस थोड़ा सा दबाना है, साइडों पे किनारे मोटे ही रखने हैं, क्योंकि अगर तेल में डालेंगे तो किनारे सारे जल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी ऐड किया है, आप तेल में बना सकते हो। तो यहाँ पर घी एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम पर ही हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने में 30 मिनट का टाइम तो लग जाता है। तो यहाँ इसको बाहर निकाल लेंगे और ये एकदम परफेक्ट खस्ता मठरी बनकर तैयार है। आप चाहो तो इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।